एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट किया गया है बाय वाई इज 0.40 साइन ऑफ, करेक्शन करो प्लीज, ये टी है, ये टी है, 440 प्लस 0.61। वो कह रहे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब निकाल दो। आपको बताओ कौन सी इक्वेशन याद है इसको देखते हुए, बोलो ए, बोलो ए, हाँ ए, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इनिशियल फेस फाइव, कंपेयर कर लो तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई, 0.40। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, मीटर लगा दो। कंपेयर करो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 440 रेडियंस पर सेकेंड। इनिशियल फेज फाइव कितना आ गया, 0.61 रेडियंस आंसर। और अगर ओमेगा आ गया और वो पूछे कि फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो ओमेगा क्या होता है, 2π × फ्रीक्वेंसी, 440 सॉल्व करके क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम पीरियड निकालो तो ओमेगा क्या होता है, 2π/ टाइम पीरियड, ओमेगा तो आ ही गया, टाइम पीरियड भी आ गया, सारा कुछ आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहला क्वेश्चन क्लियर है कि कैसे करना है, ठीक? नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पीरियोडिक टाइम ऑफ SHM इज 2 सेकेंड। बोलो ये छोटा टी है कि बड़ा टी है, तुम कुछ नहीं पढ़ते। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है भाई, इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड थोड़ी ना है ये, तो टाइम पीरियड है, कैपिटल टी है, 2 सेकेंड। जल्दी नहीं, जल्दी का नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, जल्दी आंसर दो, फ्लो में मत आंसर दो, छोटा है कि बड़ा, छोटा ठीक है, आप ये मत दो। टाइम पीरियड कैपिटल टी है, इंस्टेंटेनियस टाइम स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी आ गया। कैपिटल टी जिस जिसका आ गया तो उसका ओमेगा तो अपने आप ही आ जाएगा, जहां जरूरत हो तो ओमेगा पाई रेडियंस पर सेकेंड अपने आप आ जाएगा। आफ्टर हाउ मच टाइम इंटरवल क्या निकालना है, छोटा टी की बड़ा टी, छोटा टी, हाउ मच टाइम का मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम समय निकालना है, स्मॉल टी विद डिस्प्लेसमेंट हाफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो वाई क्या चाहिए मुझे, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई हाफ द एम्पलीट्यूड का मतलब वाई इज इक्वल टू ए बाय टू। क्या फॉर्मूला यूज करूं, क्या यूज करूं कि स्मॉल टी आ जाए, हाँ बोलो, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का ये रिलेशन। तो आपको क्या करना है इसमें, वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, ए बाय टू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां से साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसल, कितना आ जाएगा, 1/2, हाफ आ गया। हाफ का मतलब है, हाफ का मतलब है साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब साइन हाफ कब होता है, 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6। मेडिकल के लोग, हाफ का मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6। तो ये क्या आएगा, पाई बाय 6, यानी कि जो एंगल आएगा रादर, ये एंगल, ये अंदर वाला एंगल क्या होना चाहिए, पाई बाय 6। तो ओमेगा टी का मतलब यहां पर पाई बाय 6, तभी तो हाफ आएगा। ओमेगा हमने निकाल लिया कितना, पाई इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाय 6, पाई से पाई कैंसल, टी इज इक्वल टू 1/6 सेकेंड इज द आंसर। कैसे करना समझ में आ रहा है, कभी भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो वहीं से इक्वेशन स्टार्ट होगी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो वाई वो कभी कभी कहेगा वाई ए बाय रूट टू है टाइम बता दो, वाई ए बाय 6 है टाइम बता दो, ए बाय 4 है टाइम बता दो, बस यही क्वेश्चन पुट कर करके वाई पुट करते रहो, स्मॉल टी निकालते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, पहली लाइन का मतलब बताओ क्या है, सिर्फ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM कंप्लीट्स 1200 ऑसिलेशंस पर मिनट, मतलब क्या दे रहा है, फ्रीक्वेंसी, क्यों, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, वो कह रहा है पर मिनट, यानी कि
60 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हैं? 1200 ऑसिलेशंस हैं। एक सेकेंड में कितनी हो जाएंगी? 1200 को 60 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 20। तो 20 ऑसिलेशंस हैं। इसका मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 20 है। फ्रीक्वेंसी आ गई तो ओमेगा तो आ ही जाएगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू 20 यानी कि 40 पाई रेडियंस पर सेकेंड ओमेगा आ गया। तो पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया। कैपिटल टी चाहिए, कैपिटल टी भी आ जाएगा क्योंकि ओमेगा आ गया 2 पाई बाय कैपिटल टी से कैपिटल टी की वैल्यू भी आ जाएगी, जो चाहिए होगा निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, अब वो कह रहा है कि मीन पोजीशन को कोई पार्टिकल क्रॉस करता है, मीन पोजीशन को, और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 3.14। जैसे ये पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और जब इसे क्रॉस कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3.14। क्या समझ में आ रहा है? कौन सी वेलोसिटी है? मैक्सिमम, क्योंकि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है SHM में? 0। और मीन पे क्या होती है? तो ये क्या दे रहा है आपको? वी मैक्स। वी मैक्स का मतलब क्या होता है? ए ओमेगा। ए ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 3.14। तो एक बात तो पक्की है, मैं यहां से एम्पलीट्यूड निकाल, फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मींस एम्पलीट्यूड निकाल लो। तो एक काम करो, ओमेगा हम निकाल चुके हैं, ओमेगा की वैल्यू को पुट कर दो, कितना? 40 पाई इज इक्वल टू 3.14। सॉल्व करके ए निकाल लेना आंसर, पहला आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है कि ए की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें? ठीक है यहां तक। और इसमें और क्या निकालना है कि ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वाई के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाओ। इंस्टेंटेनियस क्या बनेगी? जब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम जीरो से, मीन से स्टार्ट हो रहा है। तो बोलो इक्वेशन क्या होती है? वाई इज इक्वल टू क्या? ए साइन ओमेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वाई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड फर्स्ट पार्ट में हमने निकाल ही लिया जो कि कितना आ रहा है? 0.025। इसको सॉल्व करोगे तो 0.025 आएगा। साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा कितना है? 40 पाई इनटू टी, आंसर टाइम की फॉर्म है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई, आंसर। यहीं तक छोड़ दो। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है, कैसे करना है, हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में कैसे ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन SHM। ए की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ। डिस्टेंस ऑफ का मतलब क्या है? वाई की वैल्यू दे रहा है, क्या निकालना है? टाइम पीरियड पूछ रहा है। अच्छा, अगर मैं ओमेगा निकाल दूं टाइम पीरियड आ जाएगा? बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ए और वाई का फॉर्मूला आता है कोई? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ए की तो फॉर्मूला है। SHM की इक्वेशन खुद ही तो यही है, लेकिन प्लीज मैग्नीट्यूड यूज करना क्योंकि ओमेगा कभी नेगेटिव नहीं आता। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 12 ओमेगा स्क्वायर, और वाई की वैल्यू कितनी है? 3। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 4। ओमेगा क्या आएगा? 2। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू 2। तो यहां से टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? मेरे को ऐसा फील हो रहा है मैथ्स की क्लास चल रही है, थर्मो में केमिस्ट्री की, अभी मैथ्स की, मैथ्स ही चल रहा है और क्या चल रहा है, ही SHM मैथ्स। हाँ हाँ, अभी और डीप जाएगा तो अपने आप ऑब्जेक्टिव के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशन ही लगती जाएंगी। नीट आराम से, नीट इतना ही चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट होमवर्क करके आना है, ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन होमवर्क। नेक्स्ट मैं अगली शीट का कुछ हिंट देना चाहता हूं आपको। नेक्स्ट में एनर्जी की असाइनमेंट है, चेक करो। हाँ, ये वाली 72 का फर्स्ट क्वेश्चन। अगली असाइनमेंट होगी, चेक करो फिर, कोई नहीं है? 74, ओके 74 होगी, ओके ठीक है, आपकी असाइनमेंट 74 होगा, ठीक है, नंबरिंग गलत हो गई, 74। अब करो, पहला क्वेश्चन क्या है? बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम जिसका मास गिवन है
फ्रीक्वेंसी गिवन है, वाइब्रेशंस पर सेकंड का मतलब क्या होता है, 5 वाइब्रेशंस पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा क्या होगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू 5 यानी कि 10 पाई रेडियंस पर सेकंड। मास तो आपको गिवन ही है 1 ग्राम, क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड भी गिवन है कितना 3 सेंटीमीटर, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी एट, ये लोएस्ट का मतलब क्या होता है भाई, मीन, लोएस्ट मीन मीन, तो मीन पोजीशन पर आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्स, कितनी, ए ओमेगा, ए ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला यूज करो ना, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी मैक्स की जगह ए ओमेगा का स्क्वायर, तो जरूरी नहीं कि वो लंबा सा फॉर्मूला यूज करना है, हाफ एम वी स्क्वायर यूज कर लो, जब आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं मैक्सिमम ए ओमेगा तो पुट कर लें, एम पता है, ए पता है, ओमेगा पता है, आंसर। मेथड समझ में आ रहा है, डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट है 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, बॉडी वेइंग 10 ग्राम मास की बने हैज अ वेलोसिटी ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आफ्टर 1 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, ये रही आपकी मीन पोजीशन, यहां से बॉडी स्टार्ट हुई थी पर लेकिन t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे यहां पे कहीं पे है, जब इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये कौन सी वेलोसिटी है भाई, मैक्सिमम मिनिमम की इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो जब वेलोसिटी कितनी है 6, एम्पलीट्यूड पता नहीं, ओमेगा पता है, हाँ पता है क्योंकि कैपिटल टी कितना है 6 सेकेंड है, तो कैपिटल टी 6 है तो ओमेगा क्या होता है 2π/6, तो ओमेगा की वैल्यू π/3, तो ओमेगा हमें पता है कितना, π/3 कॉस ऑफ π/3 इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी कितना है 1, तो एक काम करते हैं 6 इज इक्वल टू ए इंटू π/3 इंटू कॉस 60 क्या होता है हाफ, ए निकाल लेना, तो इंस्टेंटेनियस की वैल्यू से पहले एम्पलीट्यूड निकलेगा, एम्पलीट्यूड आ गया, फिर क्या निकालना है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी निकालनी सबसे आसान है, क्यों, काइनेटिक एनर्जी में कुछ करना ही नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है और वेलोसिटी तो 6 गिवन ही है, काइनेटिक तो आई गई, काइनेटिक का कोई बड़ा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, उसने 1 सेकंड पे काइनेटिक पूछी आंसर, फिर वो पूछेगा टोटल एनर्जी, देखो टोटल एनर्जी क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, मास पता है, ओमेगा पता है, एम्पलीट्यूड पता है, काइनेटिक टोटल आ गई, फिर पूछेगा पोटेंशियल, पोटेंशियल में क्या करोगे, टोटल में से काइनेटिक को माइनस कर दो, आंसर आ गया। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक है आता, जैसे ये क्वेश्चन है, पार्टिकल का टाइम पीरियड 8 सेकेंड है, तो कैपिटल टी 8 है, ओमेगा 2π/T है, तो ओमेगा की वैल्यू 2π/8 है, ये गिवन है, आफ्टर व्हाट टाइम, समय बताओ, इंस्टेंटेनियस मीन पोजीशन के बाद, जब एनर्जी भी हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल, तो क्या करवाया था, हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल, तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर, कैंसल, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y², वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय रूट 2, प्लस माइनस इसलिए क्योंकि मीन पोजीशन के राइट भी ये पोजीशन है और मीन पोजीशन के लेफ्ट भी ये पोजीशन है, प्लस ए बाई टू, ए बाई रूट टू, माइनस ए बाई रूट टू, दो पोजीशन पे ऐसा हो सकता है, आंसर आ गया
नहीं आया। उसने मुझसे वाई पूछा, उसने तो टाइम पूछा, उसने पूछा स्मॉल टी में, तो वाई निकाल दिया, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है ये मीन पोजीशन है, यहां से बॉडी चली, तो कोई पॉइंट है जब वाई की वैल्यू ए बाय रूट टू है, बताओ कितने समय में वाई की वैल्यू ए बाय रूट टू हो गई। अब अगला स्टेप क्या होगा, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो वाई का फॉर्मूला लगाओ, ए जब भी इंस्टेंटेनियस टाइम निकालना होता है तो यही फॉर्मूला लगेगा ना, वाई की जगह ए बाय रूट टू इज ए साइन ओमेगा टी। ए से ए कैंसल, साइन ऑफ ओमेगा टी 1/√2, तो 1/√2 45 डिग्री पे होता है, यानी कि पाई बाय 4। ओमेगा हम निकाल चुके हैं कितना, 2π/8 इंटू स्मॉल टी इज π/4, पाई से पाई कैंसिल, निकाल लेना स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं सबको, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है यार, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई याद नहीं करके जाने का, कुछ करना नहीं। तो होमवर्क क्लियर है आगे का सारा, सारी शीट्स आपका होमवर्क है, अगली बार से डाउट ही होने हैं और वे स्टार्ट होने डाउट्स के बाद।